बोला सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए गई जवाबदारी आप बंधु का। और अगर जिला जनपद के चुनाव हुई है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़ैया हुए तो हूँ लाज यहाँ से क्लियर कर दो, हमन उकरो बट तैयार बिछेन, हम आपके जो आदमी आप धोल हम आप मान के अपन नेता मान के ऊपर लिए काम करबो प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ, आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे हो, अभी अमर जैन साहब कहा तरी से जब सत्ता निरी से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारा तरी से कहा तरी से नहीं नहीं चिंतन करे बर कोई बुलारिन का चिंतन मनन करे बर एवन कमरेज में बैठ के चिंतन और मनन लगते आप में ये बात कभी स्वीकार कर थो डंके चोट में कितो। आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी करेंगे, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कहते कि मोर परिवार के 5 साल में एक ठन काम ला मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दू, कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहु बेटा के कोई ट्रांसफर है मोर कोई काम है मोर कोई तकलीफ है कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया आज एक चीज और देखने मिलीस या नया नया फोटो देखने मिलीस, 5 साल पहले हमला नवा नवा फोटो देखने मिले, एक ढंग के फोटो देखने मिले, वो नेता कहाँ है? और अतेक बड़का नेता है 5 झन जो क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बोला आप लोग चुनाव किसने भेजते कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो आपने मोर निष्कासन के अधिकार है आप मोर निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम करूं। अक्की कहते हुए मैं आपके कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहूं लेकिन मौका इसे मिले नहीं, मौका कभी मिलीस नहीं, 5 साल हम तुम्हारे तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। मैं अगर कोई मोर जो गलत बात कहे हूँ तो मैं आपसे माफी चाहते हुए सब कार्यकर्ता एक बार प्रणाम करते हुए कि मोला आप बहुत सहयोग और सम्मान दे मैं आपसे हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते हुए अपन बात न खत्म कर। अगला उद्बोधन के लिए सम्मानित